Rahman assalamu Assalamualaikum. Grade eight. Uh, it's your biology class time. Uh, I'm your biology teacher from the right campus. Um, open your textbook in front of you. Uh, unit number first, introduction to biology. Page number four. स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा बायोलॉजी की डिफिनेशन प्लस मैंने कुछ ब्रांचेज आपको याद कराई और आई होप कि वो आप सबको याद हो गई होंगी और जिन्हें नहीं याद तो वो भी काइंडली आप याद कर लें कि जिस दिन आप स्कूल आएंगे इंशाल्लाह उस दिन आपका वो रिटर्न टेस्ट होगा ठीक है आज हम जो पढ़ेंगे वो लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स यानी कि बायोलॉजी का दूसरी फील्ड्स जो हैं हमारे डिफरेंट फील्ड्स होती हैं उनके साथ क्या लिंक हो सकता है ठीक है यानी कि लिंकेज क्या बन सकता है हम इसमें ये देखेंगे ठीक है तो अब हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शंस हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं ठीक है डिफरेंट पाथवेज होते हैं तो वो जो पाथवेज़ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हम बायो में पढ़ रहे हैं ठीक है लेकिन उनके जो पाथवे होते हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स जो कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं उसमें कुछ केमिस्ट्री, फिज़िक्स जियोग्राफी इकनॉमिक्स मतलब कि डिफरेंट आ रहे होते हैं रूल्स तो जो फॉलो कर थे इस तरह हमने देखा इस टॉपिक में या देखेंगे हम इस टॉपिक में कि कैसे बायो का किसी दूसरी फील्ड के साथ लिंक बन सकता है ठीक है तो ये लिंक क्या बनाता है दि, दिस टाइप ऑफ लिंक लिखा हुआ भी है मैक्स इंटर डिसिप्लिनरी ठीक है और कुछ इंटर डिसिप्लिनरी हैं जो नीचे दिए गई हैं यानी कि मिक्स है ना बायो का दूसरी फील्ड के साथ सिंपल हम अगर बात करें एक एग्ज़ाम्पल दूँ जोलॉजी की तो जोलॉजी हम कहते हैं प्योर सब्जेक्ट है बायो का ठीक है अगर हम बायो फिज़िक्स कहते हैं तो ये प्योर नहीं है यानी कि ये इंटर साइंस है तो सबसे पहले हम बायो देखते हैं बायो फिज़िक्स बायो फिज़िक्स में हमने ये देखा कि ये एक इंटर स्टडी है जिसमें बायोलॉजिकल फिन एंड प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं लेकिन उसमें हम लोग फिज़िक्स की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होते हैं बायो एंड फिज़िक्स मिल गया ना तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ जैसे कि एग्ज़ाम्पल में हम लोग कह रहे हैं फोटोसेंथिसिस फ़ोटोसेंथेसिस जो है हमारे पास वो फॉलो करता है द लॉज ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग द एब्ज़ॉर्बन ऑफ लाइट यानी कि फ़ोटोसेंथिसिस जो है वो प्लांट्स में हो रहा होता है आई थिंक ये आप सबको पता होगा बल्कि पता होना चाहिए फोटोसेंथेसिस जो होता है वो ऐसा ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट में हो रहा होता है प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर कर होता है लेकिन फूड सिर्फ और सिर्फ प्लांट डे टाइम में प्रिपेयर करता है क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में वो ये काम कर रहा होता है तो वो जो सनलाइट जो है प्लांट तक आती है किस तरह आती है फोटॉन्स आ रहे होते हैं रेज आ रहे होते हैं ठीक है तो आ, 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 भीम फ्रेज होती हैं ठीक है थीके? तो वो कौन से रूल फॉलो करते हैं तो हम कह रहे हैं फिज़िक्स के रूल फ़ॉलो कर रहे होते हैं तो इस तरह यानी कि बायो एंड फिज़िक्स ने आपस में क्या कर दिया लिंक बना दिया ठीक है इसके अलावा फिजियोलॉजी में बायो में न्यूरोसाइंसिस में फार्माकोलॉजी एटसेट्रा काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं जिनमें बायो और फिज़िक्स का आपस में रिलेशन होता है नेक्स्ट हम देखते हैं तो बायो केमिस्ट्री नाम से ही जाहिर है बायो एंड केमिस्ट्री का आपस में रिलेशन होगा जस्ट लाइक के इसमें क्या होगा कि के कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होंगे ठीक है वो केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल प्रोसेसेस अक्कर हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट होते हैं वो ठीक है जिस तरह के एक, हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लें कि फोटोसिंथेसिस ठीक है एंड रिस्पायरेशन जो रिएक्शन हो रहा है फ़ोटोसेंथिस हमारे पास प्लांट्स के अंदर हो रहा है एंड रिस्पायरेशन हमारे पास एनिमल्स के अंदर हो रहा है तो फूड तो अब बायोफिजिक्स में हमने देखा कि सनलाइट आ रही है ठीक है कौन से रूल्स फॉलो कर रही फिजिक्स के अब सनलाइट जब पड़ती है प्लांट पे ग्रीन पार्ट पे तो वहाँ पर जो होता है प्लांट फूड प्रिपेयर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ठीक है तो ये जो ग्लूकोज़ है ये हमारे पास कंपाउंड है ठीक है ये किस में आ रहा है तो हम कह रहे हैं ये केमिकल सॉरी केमिस्ट्री में आ रहा है कुछ केमिस्ट्री के रूल्स फॉलो कर रहे हैं यानी कि वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में इन आ, क्या हो रही है इन ये दोनों का रिएक्शन हो रहा है और सन लाइट पड़ती है तो हमारे पास प्लांट के अंदर क्या बन रहा है फूड प्रिपेयर हो रहा है तो ये हो गया केमिकल केमिस्ट्री के साथ रिलेट हो गए ठीक है इस तरह रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से आउट हो रही है आउट हो रही होती है और ऑक्सीजन इन हो रही होती है तो इसमें पूरा प्रोसेस होता है तो वो हमारे पास केमिस्ट्री के रूल्स फॉलो कर रहा है तो बायो केमिस्ट्री का लिंक हो गया ठीक है आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है सिंपल सी बात है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बायो जोग्राफी बायो जिग्राफी में स्टडी ऑफ ऑर्गेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस एंड टाइम यानी कि हम लोग बायो का मतलब तो लाइफ जियोग्राफी यानी कि जब हम लोग स्टडी ऑफ अर्थ कर रहे हैं ठीक है अर्थ की स्टडीज अर्थ से रिलेटेड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हर एक पार्ट की मतलब की स्टडी को हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं तो अब हम लोग इसमें बायो जोग्राफी में जब हम लोग बायो और जोग्राफी का लिंक देखते हैं तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज़म को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है स्पेस और टाइम के लिहाज से एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ आपको आपको उससे अच्छे से समझ आ जाए जाएगी कि पोलर बियर है आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है कि पोलर बियर जो है वो क्यों कुछ आ, जो आ, हमारे पास पार्ट है हमारे जो गर्म इलाके हैं या हमारे जो इलाके हैं इनमें क्यों नहीं रहता क्यों वो सिर्फ बर्फ़ वाली जगह पर रहता है क्यों वो आर्कटिक रीजन में रहता है तो आ, और दूसरी बात ये कि उसे हम लोग यहाँ पर ले भी आए तो वो नहीं रह पाता क्योंकि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उस जगह की लिहाज से ही बना हुआ है ठीक है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन उसकी इस तरह हुई ये कि उस जगह पे ही उसने रहना है ठीक है इस तरह इसके अलावा एग्ज़ाम्पल है मलेरिया की कि मलेरिया क्यों मॉस्किटो जो है वो डैम और वाम एरियाज़ पे ही खास होता है जस्ट लाइक गर्म इलाके और डैम यानी कि मॉइस्चर वाली या पानी जहाँ खड़ा हुआ होता है वो उसी जगह पर क्यों होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई अर्थ की या डिस्ट्रीब्यूशन हुई ऑर्गेनिज्म की इन स्पेस एंड टाइम ठीक है यानी कि टाइम न पोलरबियर हम लोग पास अब इसी तरह जो मलेरिया है वो गर्मियों में ही क्यों होता है सर्दियों में क्यों नहीं और होता अब बायो स्टैटिस्टिक्स और बायोमिट्री हम लोग कहते हैं इसमें हम लोग मैथ्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं स्टेटिस्टिक्स या मिट्री हम देखते हैं तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है स्टेटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूला इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी अब इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे रिसर्च स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कुछ रिसर्च हो रहे होते हैं तो रिसर्च में बी मैथ्स आ रही होती है तकरीबन ठीक है इसके अलावा कोई चीज़ डिज़ाइन हो रहा है कोई चीज़ बन रही है किसी भी चीज़ को हम लोग जब बायो में स्पेशली हम कुछ देखते हैं तो हम लोग उसका सिंपल सी बात है लेंथ देखते हैं मास देखते हैं वेट तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में देख रहे हैं कि मैथ्स के रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं मैथ्स और बायो आपस में रिलेशन हमने देखा ठीक है इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास करिए लिंकेज है बायो इकनॉमिक्स तो इकनॉमिक्स आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज़ इकनॉमिक्स तो इकनॉमिक्स हमारे पास सिंपल सी बात है जब हम लोग मतलब कि हम अपनी मुल्क की हम अपने दुनिया में हम लोग जब माशियात सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इकनॉमिक्स उसको कहते हैं यानी कि मुल्क के अंदर धराम बरामद सारी चीज़ें बनना बाहर को जा रही हैं बाहर से आ रही हैं मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है तो ये हम लोग देखते हैं इकनॉमिक्स में लेकिन इकनॉमिक्स जो है बायो इकनॉमिक्स इज़ द कॉर रिलेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड इकनॉमिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्राम इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे इन बायो इकनॉमिक्स प्रोडक्शन साइंटिस्ट कैलकुलेट एंड कंपेयर द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू वाइटी ऑफ क्रॉप यानी कि डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा कोर रिलेशन इसका जैसे कि एक क्रॉप बन रही है या एक आ, एनिमल्स का हम फार्म ले लेते हैं वो हम लोग फार्म बना रहे हैं अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं या तो सेल कर रहे हैं या किसी और ने बनाया तो उससे हम लोग खुद खरीद रहे हैं ठीक है बाय एंड सेल वाला काम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बायो इकनॉमिक्स को थोड़ा सा बीच में लाएँगे यानी कि बायो हमने ऑर्गेनिज्म की बात की और इकोनॉमिक्स यानी कि हम लोगों ने बाइंग एंड सेलिंग वाला काम कर दिया ठीक है तो ये स्टूडेंट्स आज काम था आपका लेक्चर था लिंकेजेस हमने पढ़ा इसको आपने अच्छे से देखना है कोई भी मसला हो तो मुझे आपने इन बुक्स में शेयर पूछना है मुझसे ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज़